हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बर्ड क्लेस। तो आज हम करने वाले हैं एवेंजर 220 BS6 वेरिएंट का रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड उसके बाद हम करने वाले हैं इसका राइड एंड इन द एंड वी विल कंक्लूड क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर क्रूजिंग बाइक एट अ बजट प्राइस पॉइंट एंड दिस इज प्रॉपर मेड इन इंडिया बिकॉज बजाज इज मेड इन इंडिया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विल स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस बाइक। सो स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिकेशन एंड हम स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ द बाइक, विच इज द इंजन। तो ये जो इंजन है, सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक SOHC 2-वेल्व इंजन है। पावर प्रोडक्शन की बात करूँ तो 19.03 BHP प्रोड्यूस करता है 8500 RPM एंड उसके साथ साथ 17.55 NM टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7000 RPM। BS6 कंप्लायंट इंजन है, कैटलाइटिक कन्वर्टर एंड ऑक्सीजन सेंसर का एडिशन हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। सो दिस इज नाउ BS6 कंप्लायंट इंजन एंड ये अपना एयर कूल्ड के साथ साथ आपको असिस्टेड ऑयल कूल मिल जाएगा यहाँ पे फॉर बेटर कूलिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल कूलिंग के लिए आपको एक रेडिएटर जैसा जो देखने को मिलता है, विच बेसिकली कूल्स द ओवरहीटेड ऑयल, तो वो आपको कूलिंग के लिए मिल जाएगा बिकॉज दिस इज द क्रूजिंग बाइक, तो उसमें वो जरूरत है। उसके बाद अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं एंड उसके साथ साथ फ्रंट में हमको 280mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, विच कम्स विद सिंगल चैनल ABS। तो आपको फ्रंट की तरफ सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। एंड अगर मैं अभी रियर की तरफ चलूँ तो रियर में हमको 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। तो ये 5-स्टेप एडजस्टेबल है, विच इज अ गुड थिंग, आप इसको सॉफ्ट हार्डनेस थोड़ा इसका एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ ईयर में हमको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है एंड पीछे की तरफ हमको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। तो बट गाड़ी का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात, इवन दो इसमें पीछे डिस्क नहीं है, हम राइड की टाइम करेंगे कि क्या सच में इसको रियर डिस्क की जरूरत है या नहीं, या ड्रम ब्रेक इज गुड इनफ। उसके बाद अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक हमको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। तो 13 लीटर्स में हमारे पास 3.8 लीटर जो है वो रिजर्व फ्यूल है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो फ्रंट में हमको 90x90 17 इंच का ट्यूब टायर देखने को मिलता है। तो ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर है, स्पोक व्हील्स के साथ आता है, अलॉय व्हील्स के साथ नहीं आता, तो ये बात ध्यान में रखिए। एंड उसके साथ साथ रियर में अगर मैं बात करूँ तो 130x90 का 15 इंच का ट्यूब टायर अगेन स्पोक व्हील्स के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद सीट हाइट की बात करूँ तो 737mm पे, तो लिटरली इसको कोई भी बंदा चला सकता है। तो आई जस्ट हॉप ऑन द बाइक, मैं 5'10" है मेरी हाइट एंड डबल स्टैंड पे गाड़ी, तो एज यू कैन सी मैं 100% फ्लैट फुट नीचे हूँ। एंड अगर आप 5 फीट के ऊपर हैं तो आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं बिकॉज सीट हाइट लिटरली बहुत कम है। इट्स मेड फॉर एवरीवन, कोई भी इसको चला सकता है, इवन अ टॉल राइडर लाइक मी, उसके पास भी लेग स्पेस काफ़ी है। तो दिस बाइक इज बेसिकली कंफर्टेबल फॉर एनी वन, कोई भी इसको चला सकता है। उसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 169mm पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। इंडियन रोड के हिसाब से आपको पॉट होल्स खड्डे वड्डों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद गाड़ी में डबल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों आता है, तो अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं टूर पे एंड आपके पास कुछ बैठने को नहीं है तो आप डबल स्टैंड पे डालिए एंड जस्ट हॉप ऑन द बाइक लाइक दिस एंड आपके लिए एक कंफर्टेबल सीटिंग है। बिकॉज सीट आप देख सकते हैं राइडर के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा सीट दिया हुआ है, आपके बैक को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा, इवन ऑन द फॉर द पिलियन यहाँ पे आपको बैक सीट जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है पिलियन के लिए, तो पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबली इस गाड़ी पर चल सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको आगे की तरफ एक वाइजर देखने को मिलता है, लॉन्ग वाइजर, विच इज़ वेरी गुड फॉर हाईवे टूर्स। तो अगर आप इवन 100 के ऊपर भी चल रहे हैं तो ये आपको विंड ब्लास्ट से बचाएगा एंड आप जल्दी स्ट्रेस आउट नहीं होने वाला, आपकी गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होने की जरूरत पड़ेगी, तो इंजन भी काफ़ी आपका काम रहने वाला है। उसके बाद अगर वेट की बात करूँ तो 163 का वेट है इसका, विच इज़ नॉट वेरी हैवी, डिसेंट है वेट, बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत ज़्यादा कम है, इट्स ऑन द मिडिल साइड। उसके बाद आप अगर मैं कलर की बात करूँ तो एक ब्लैक कलर आता है और एक वाइट कलर आता है, तो दो कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो वी आर करेंटली इन पुणे एंड मैं आपको एक शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस पुणे का बताऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। तो 120,000 एक शोरूम प्राइस बेसिक मॉडल का इसके, एंड उसके साथ साथ अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 145,000 के समथिंग आपको ऑन रोड प्राइस जाएगा। तो एक चीज़ नोट कीजिए, इसका प्राइस जो है वो आपके डिपेंडिंग ऑन सिटी एंड स्टेट के हिसाब से थोड़ा वेरी हो सकता है,
5-7,000 ऊपर नीचे, बट ये जो मैंने प्राइस बताया दिस इज ऑन रोड एंड एक्स शोरूम पुणे। तो अगर ये मैं अभी हूँ साई सर्विस बजाज वाकड़ेवाड़ी में, सो इफ यू आर प्लानिंग बजाज से रिलेटेड कोई भी बाइक, KTM से रिलेटेड कोई भी बाइक, या हस्क वन है या चेतक, तो इनके पास चारों ब्रांड अंडर वन रूफ अवेलेबल है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन कॉल देम एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। दे आर फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉर द COVID-19, तो उससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी विल हेड बैक टू राइड रिव्यू एंड हम इस गाड़ी को करते हैं चलाना स्टार्ट, एंड आई लेट यू नो की कम्फर्ट, पावर डिलीवरी एंड ब्रेकिंग कैसा है। सो लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक, एंड बिफोर राइडिंग मेक श्योर आप हेलमेट, ग्लव्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन रहे हैं। सो आई जस्ट पुट माई ग्लव्स ऑन, एंड दो तीन चीज़ें मेरे को आपको और बतानी है इस बाइक्स के बारे में। सो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा वो आप देख सकते हैं साइड स्टैंड का क्वालिटी इज़ प्रिटी गुड, जैसा कि आप देख सकते हैं हियर इज़ द साइड स्टैंड, एंड इसका क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, फिट फिनिश काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड इसमें जो गेयर बॉक्स आता है वो 5-speed गेयर बॉक्स है, बट आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में एंड बैक में दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ आगे पीछे जैसा अपना पहले बाइक्स में आता था वैसा है। उसके बाद आप पीछे बैक रेस्ट देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बोलूँगा LED इंडिकेटर्स का एडिशन हो सकता है, बिकॉज अभी आगे का हेडलाइट भी LED DRLs के साथ दिया है, सो दिस इज़ वन थिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट मॉडल। उसके साथ साथ पीछे हमको स्पीड सेंसर मिलता है, इवन दो ड्रम ब्रेक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड सेंसर का आपको यहाँ पे एडिशन देखने को मिलता है। तो ब्रेकिंग मैंने जितना चलाया था गाड़ी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अभी हम राइड करेंगे तो आई लेट यू नो मोर अबाउट दैट। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी पर हॉप इन करते हैं, चाबी के लिए आपको यहाँ से ऑन करना है इग्निशन, एंड हैंडल लॉक आपका यहाँ आगे से होता है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी वेलकमिंग सा आपको एक मिलता है एक्सपीरियंस। सो आपको यहाँ पे फुल डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर है, ओडो है, ट्रिप वन ट्रिप टू टाइम है, फ्यूल इंडिकेटर है, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है विच गिव्स यू न्यूट्रल लाइट, ABS लाइट, इंजन मैल फंक्शनिंग, ओवर हीटिंग वाला सारा। उसके बाद मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्रोम फिनिश में दिए हुए हैं, एंड ये जो वाइज़र है ये भी काफ़ी अच्छा अपीलिंग सा है। तो आपको एक मस्त एक महंगी क्रूज़र में बैठने ऐसा एक्सपीरियंस है। तो कॉकपिट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपीलिंग है। तो अभी हम चलते हैं चलाने एंड बैक टू पुणे की रोड। सो बैक टू पुणे की रोड, एंड इनिशियल पिकअप इज़ प्रिटी गुड, वाइब्रेशंस वगैरह काफ़ी कम है गाड़ी में, एंड जो कंफर्ट पोजीशन है, कंफर्टेबल जो जितना है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको कंफर्ट देता है जैसा सिटिंग है इस बाइक का। एंड अभी थोड़ा बारिश हो रहा है तो आई डोंट नो, थोड़ा फुटेज हो सकता है ब्लरी हो, बट प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा देख लेना। हाँ, सो बैक टू द बाइक, आप मैं जैसा बताया कॉकपिट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपीलिंग है, वेलकमिंग कॉकपिट लगता है, एंड ये एक आपको ऐसा फील देता है कि आप एक महंगी क्रूज़र में चल रहे हैं। तो प्राइस इसका जिस हिसाब पे आती है ये, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको एक जो ओवरऑल कॉकपिट देखने को मिलता है वो है। स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पिकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। 220 है ये, इसका एक 150 वाला मॉडल भी आता है स्ट्रीट, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मिरर्स काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि आप पीछे है, डिजिटल कंसोल इज़ प्रीटी विजिबल इन द डायरेक्ट सनलाइट। उसके साथ साथ क्लच इज़ ऑन द लाइटर साइड, क्लच बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत लाइट है। एंड एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इवन दो इसमें पीछे ड्रम ब्रेक है, बट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ प्रीटी गुड, एंड वो अभी हम टेस्ट करेंगे थोड़ा। एंड आप जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा बारिश होने के चक्कर में रोड भी गीली है, सो वी विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ द ब्रेक्स आर वर्किंग। सो ब्रेक्स आर प्रीटी गुड, एंड उसके साथ साथ मैं जो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो गाड़ी में वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी कम है, पिकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, एंड जो हैंडल बार्स का पोजिशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा काम है। लाइक आप एकदम सोफे पे जैसे बैठते हैं ना, वैसा आप बोल सकते हैं इस बाइक पे बैठने के बाद। एंड इस पर आप आराम से 300-400 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि आपका बैक पेन हो या ऐसे कुछ शोल्डर पेन्स वगैरह, जो आपको नॉर्मली एक बेसिक बाइक में हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टूर करते हैं तो। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने अभी जस्ट नोटिस की कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, एंड ये वाइज़र मेरे को बारिश की बूंदों से बचा रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉर्मल बाइक्स में आपको थोड़ा सा बूंदों से लड़ाई करना पड़ जाएगा, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। सो अभी हम लेंगे आगे से यू टर्न, एंड तब हम इसका टर्निंग रेडियस भी थोड़ा चेक करेंगे कि कैसा है। सो अभी मैं दे देता हूँ राइट टर्न, बिकॉज वी नीड टू गो राइट यू टर्न। सो टेकिंग यू टर्न फ्रॉम हियर, एंड हाँ, सो गाड़ी थोड़ा लंबा है तो आपको थोड़ा सा एरिया ज़्यादा लगेगा यू टर्न के लिए, बट दैट्स फाइन। एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी गुड, लाइक बहुत ज़्यादा बेसी नहीं है, एक थोड़ा काम साइड पे, बट हाँ जैसे ही आप उसको थ्रॉटल करेंगे तो थोड़ा बेस पकड़ता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
एंड सस्पेंशन की बात बोलो तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं. इट्स गुड फॉर हाईवे टूर्स एंड सिटी ट्रैवलिंग. अगर आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं तो हाईवे के लिए अच्छा है. नॉट मेंट फॉर वेरी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, बट हाँ सिटी में जैसा आपको पॉट होल्स वगैरह देखने को मिलते हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है. एंड यहाँ आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है सॉन्ग काटते हुए. एंड अगर आप 100 तक चल रहे हैं तो सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देने वाले हैं. एंड उसके बाद यस यू नीड अ मोनोशॉक फॉर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड स्टेबिलिटी, बट दीज आर वर्किंग फाइन टिल 100 kmph ईजली. एंड लाइक दिस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर लोग इस बाइक को लेंगे आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने वाले हैं. दिस बाइक इज़ बेसिकली फॉर क्रूजिंग एंड इंडिया में क्रूजिंग स्पीड इज समवेयर अराउंड 80 to 100 kmph, नॉट मोर देन दैट. तो उसके लिए सो नाउ फाइनली बैक टू साई सर्विस बजाज वाकड़ेवाड़ी. एंड अभी मैं कंक्लूड करूँ 1.5 lakhs के अंडर दिस अ वेरी गुड क्रूजर यू शुड गो फॉर. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक क्रूज़र चाहिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. काफ़ी अच्छी बाइक है, मेड इन इंडिया है द बेस्ट थिंग, बिकॉज जैसा कि हमको अपना वोकल फॉर लोकल बनना है उस हिसाब से बजाज इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी रेप्यूटेड ब्रांड. एवेंजर काफ़ी सालों से है, सो दिस इज़ लाइक इतने मॉडल्स के बाद अपडेट हुई है तो अभी काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से. सो इफ़ यू आर प्लानिंग मेक श्योर कि आप एक बार इन डीलरशिप को कॉल करें अगर आप पुणे में रहते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बाइक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.